बेस्ट 7 वेज टू अट्रैक्ट मनी। जी हाँ दोस्तों, मनी को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए उसी के बारे में आज 7 तरीके बताएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो नंबर 1 इज एजुकेट योरसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरत है आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाने की, क्योंकि जब आपके अंदर नॉलेज होती है किसी भी चीज़ की तभी आप उसमें कॉन्फिडेंट बन पाते हैं और तभी आप अच्छे तरीके से उस काम को कर पाते हैं। तो जब आपके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा तभी आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे और तभी उसमें आप रिजल्ट ला पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बात करना है पढ़ाई से रिलेटेड, तो आपको स्टडीज़ में क्या करना होगा, पहले नॉलेज गेन करनी होती है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने पूरी तैयारी कर ली है और मेरे एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर आ सकते हैं। सेम इसी तरीके से इस बिज़नेस वाले फील्ड में भी होता है कि आपने पहले पूरे स्किल्स सीख ली होती हैं और उसके बाद तब आप मार्केट में जाते हैं बिज़नेस करने के लिए और तब आपको लीड्स और सेल्स मिलते हैं। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको अपने अंदर वो सारी नॉलेज डालनी होगी जिसकी वजह से आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं, या जो भी आप काम करते हैं, या जो भी आप जिस काम में भी आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं उसकी नॉलेज पहले आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उसके बाद ही आप काम जब करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके आप अपने आप को स्ट्रांग बनाते चले जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पहले ही दिन आप परफेक्टली काम करना शुरू कर दें। बेशक आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन परफेक्ट आप धीरे धीरे करके ही बनेंगे, एक दिन में नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए मेक श्योर कि सबसे पहले तो आप अपने आप को एजुकेट कीजिए। अगर आपको बुक्स पढ़नी है तो बुक्स पढ़िए, पॉडकास्ट सुनना है पॉडकास्ट, वीडियोज़ देखनी है तो वीडियोज़ का इस्तेमाल कीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। जिस फील्ड में आपको सक्सेसफुल बनना है उसी की नॉलेज आपको डालनी पड़ेगी। नंबर 2 वे इज नेटवर्क विद द राइट पीपल। जो भी आपके आसपास के लोग हैं, जो आपकी दोस्ती यारी है, जितने भी लोगों से आप संपर्क में आते हैं, वो आपके ऐसे लोग होने चाहिए जो कि आपको आपकी दिशा में आगे बढ़ा सकें। तो वो ऐसे लोग होने चाहिए जो या तो आपके माइंडसेट के इक्वल हों या फिर अबव हों, क्योंकि जब आपके इक्वल अगर होंगे तो शायद कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया कहीं से मिल जाए, लेकिन अगर आपसे अबव लेवल के होंगे तो मोस्ट ऑब्वियस है कि आप उनके साथ ज़रूर आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि होता ये है कि जब कोई अकेला चल रहा होता तो उसे पता नहीं होता कि मेरे आगे पीछे कोई है भी या नहीं, लेकिन जब आप ग्रुप में चल रहे होते हैं, कुछ लोग उसमें से फास्ट फॉरवर्डिंग होते हैं जो आगे चलते हैं, तो आपको लगेगा अरे मैं पीछे रह गया, मुझे आगे चलना चाहिए। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपना जो नेटवर्क बनाना होगा वो इस तरह का बनाना होगा, उसमें ऐसे लोगों को शामिल करना होगा जो कि आपकी लाइफ को बेहतर बना सकें, ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी बल्कि ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस और बिहेवियर और बहुत सारी ऐसी स्किल्स जो कि आपको जीवन जीने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो वो सारी स्किल्स आप सीख जाएंगे अपने अच्छे नेटवर्क से। तो मेक श्योर आप अच्छे लोगों के टच में रहिए। वे नंबर 3 इज़ प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन इज़ सबसे पहले आप उठिए सुबह और उसी दिन आप अपने काम लिख लीजिए, जो भी आपको काम करना है एक डायरी बनाइए, उसमें नोट करते जाइए कि आज मुझे पूरे दिन में क्या क्या काम करने हैं, वो काम आप करते चले जाइए, जो आपने 1 by 1 डिसाइड किया वो काम ख़त्म करते चले जाइए, आप अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को लिखेंगे नहीं और लिखने के बाद अगर उनको करेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कि आप डिसिप्लिन में नहीं आएंगे। कोई भी काम आप कभी भी कर रहे हैं, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हैं, किस चीज़ को प्रायोरिटी कम दे रहे हैं, या किसी को बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं। तो वो प्रायोरिटी जो है वो आपको मेंटेन करनी होती है जिससे कि आपके सारे जो काम हैं वो हो जाएं और आपका जो जीवन है वो बहुत ही सरल हो जाए। तो सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यही है, आपको ये कोई बाहर से सिखाने नहीं आएगा, ये खुद ही आपको मैनेज करना होगा, खुद ही आपको अपने टास्क नोट डाउन करने होंगे, खुद ही उनको पूरा करना होगा और खुद ही उस पर एक आपको मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी कि मैंने क्या क्या काम कर लिया या मैं क्या सारे काम अपने सही समय पर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से ही सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ बेहतर बन सकती है। तो मेक श्योर यू शुड बी इन सेल्फ डिसिप्लिन। वे नंबर 4 इज़ शेयर योर नॉलेज विद अदर्स। जो नॉलेज आपके पास है वो हो सकता है शायद बाकी और लोगों के पास ना हो, तो इसलिए मेक श्योर कि आप जो भी नॉलेज गेन करें उसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि अभी सपोज कीजिए कि आपके पास 4 बुक्स हैं और 4 में से आपने सिर्फ अभी 1 बुक पढ़ी है, तो एक बुक आपने पढ़ी और उसी के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया, तो मार्केट में कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर होंगे जिसने वो एक बुक भी नहीं पढ़ी होगी। आपके पास 4 बुक हैं, 4 में से आपने 1 पढ़ी, उसी को बताया लोगों को, और मार्केट में ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो उस एक बुक को भी नहीं पढ़ पाए होंगे। तो इसलिए आपकी जो नॉलेज है वो दूसरों तक पहुँचनी चाहिए। जब नॉलेज पहुँचेगी तो आपका रिविज़न हो जाएगा, प्लस सामने वाले व्यक्ति की भी लाइफ चेंज हो सकती है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको लोग डिसलाइक कर रहे हैं या आपको
खराब कमेंट्स दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात अच्छी बस ये होगी कि आपकी जो वैल्यू है, आपने जो नॉलेज दिया, उससे किसी और की लाइफ चेंज हो जाए। इतना अगर आपके साथ हो रहा है तो बस आप आगे बढ़ते रहिए, आप सही राह पर जा रहे हैं। क्योंकि लोगों का काम है कहना, वो हमेशा कहते रहेंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाएं और चाहे कितने भी बुरे क्यों ना बन जाएं। लेकिन यहाँ पर आपको बुरा नहीं बनना है, अच्छा ही बनना है, और जो नॉलेज आपने गेन किया उसको और लोगों के साथ में शेयर करना है। तो जितना ज़्यादा आप अपनी नॉलेज को बाकी लोगों के साथ में शेयर करते चलाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। प्लस जिनके साथ आपने वैल्यू शेयर की है, उनकी लाइफ में भी एक अलग ही इन्फ्लुएंस नज़र आने लगेगा आपको, और उनकी लाइफ भी धीरे धीरे करके चेंज होने लगेगी। बहुत सारे लोग होते हैं, अरे मैंने तो पढ़ लिया, मैं क्यों किसी को बताऊं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, बाकी लोगों को बताइए, हो सकता है किसी का जीवन बदल जाए। तो इसलिए अपने तक ज्ञान को सीमित नहीं रखना चाहिए, जितना भी आता है, थोड़ा ही आता सही, उसको बताइए। लेकिन इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो इसलिए जो भी आप बात बताएं वो एकदम ऐसी होनी चाहिए जो आपको सॉलिड मालूम हो, अदरवाइज मत बताइएगा। तो पहला आप ये काम कीजिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, चार बुक्स हैं आपके पास, आपने एक पढ़ी और ऐसी पढ़ ली कि आप उसमें से, आप किसी कोई कुछ भी पूछ ले आपसे और आप हर चीज़ का आंसर दे सकें। तो फिर जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं उस बुक को पढ़ने के बाद में, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं, तब ही आप वो ज्ञान दूसरों को बांटिएगा। अदरवाइज अगर किसी ने वो बुक डीपली पढ़ ली होगी अच्छे तरीके से, तो उसमें से ही हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लें और शायद आप उसका आंसर ना दे पाएं। वे नंबर 5 इज डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आती है और कोई ऐसा बंदा है जिसको आती है, तो आप उस बंदे से पूछ सकते हैं कि मुझे भाई इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मुझे थोड़ी सी हेल्प करो, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, या क्या मुझे आपकी परमिशन मिल सकती है, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो सकती है। इस तरीके से रिक्वेस्ट करके जब आप उससे परमिशन लेंगे तो ज़रूर वो आपकी हेल्प करेगा। और ज़्यादातर लोग इस जीवन में इसलिए सक्सेसफुल नहीं बन पाते क्योंकि वो कभी दूसरों से पूछते ही नहीं हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या कोई ऐसा बंदा मार्केट में मेरी हेल्प करेगा या नहीं करेगा। जबकि सच तो ये है कि लोग हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बस मेक श्योर आपको ये करना है कि आप उन लोगों तक पहुँचें, उन लोगों को ढूंढें, और वो कहीं दूर नहीं, आपके आसपास ही मिल जाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो आपके सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, घर के आसपास के लोग भी कुछ ऐसे होंगे जो शायद आपकी मदद कर सकेंगे। तो इसलिए अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दूसरों से पूछिए। जैसे कि क्लास में अक्सर देखा होगा आपने, होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो तुरंत टीचर से पूछ लेते हैं खड़े होकर कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो टीचर उनको ज़रूर बताता है। बाकी कुछ ऐसे भी होते हैं, अरे नहीं ठीक है कोई बात नहीं, घर जाके देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो कल फिर पूछ लेंगे आकर के, वो ऐसे होते हैं कुछ लोग। तो ऐसा आपको नहीं बनना है क्योंकि ये जो ज़माना है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो अगर आपने आज नहीं पूछा तो आप कल पूछेंगे, और आज और कल में जो समय बीत गया उससे आपको भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने आज सीख लिया वो आपसे आगे निकल जाएंगे और आप सीखेंगे कल, तो आप जाहिर सी बात है उनसे थोड़ा सा पीछे रह गए। तो इसलिए कभी भी डरिए मत। अगर आपके मन में कोई सवाल है और आप अपने किसी मेंटोर से या अपने अड़ोसी पड़ोसी से या फिर किसी और व्यक्ति से जिसको आपको लगता है कि इसको आंसर पता होगा, तो आप उससे ज़रूर पूछिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर उसे नहीं पता होगा तो मना कर देगा, और या फिर अगर वो बताना नहीं चाहता होगा तो भी मना कर देगा। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होगी और ना ही कोई इंसल्ट वाली बात होगी कि अरे मुझे बताया नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव है, वो लोगों की मदद करना चाहता है या नहीं चाहता है। लेकिन आप हमेशा इस बात के लिए रेडी रहिए कि आपको कुछ भी अगर नहीं आया तो सामने वाले व्यक्ति से ज़रूर पूछिए। वे नंबर 6 लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल। जो लोग सक्सेसफुल बन चुके हैं, जो लोग सफलता प्राप्त कर चुके हैं या कर रहे हैं, ऐसे लोगों का आपको साथ ज़रूर चलना चाहिए। ऐसे लोगों के पीछे पीछे दौड़िए, देखिए कि वो क्या क्या काम करते हैं, और जो कुछ भी वो कर रहे हैं उनसे सीखिए, उनकी वीडियोस देखिए, उनकी बुक्स पढ़िए या उनके पॉडकास्ट सुनिए, उनके टच में रहिए, उनकी पोस्ट देखिए, सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, जिससे कि उनकी जो पॉजिटिविटी है वो आपके अंदर आ सके और आप भी उनकी तरह धीरे धीरे करके सक्सेसफुल बन सकें। हालांकि पहले से तो कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप सारी चीज़ें जो वो फॉलो कर रहा है वो आप फॉलो करते चले जाएंगे, तो आपको भी एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर सक्सेसफुल लोगों से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए, और ज़िंदगी वही अच्छी तरीके से जी पाता है जो हमेशा सीखता रहता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप छोटे से सीखें या बड़े से सीखें, बात यह है कि जो चीज़ आपको नहीं आती है वो अगर आप कहीं से भी सीख लेते हैं और आपके जीवन में उससे पॉजिटिव प्रभाव होता है, तो आप उसको ज़रूर सीखिएगा। नाउ वे नंबर 7 एम्ब्रेस द फेलियर। जब भी कभी आपको जीवन में निराशा मिले, जब भी आप किसी भी चीज़ में फेल हो जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चुप बैठ जाना चाहिए या आपने हार मान ली है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप जीतते हैं और या फिर आप सीखते हैं। हारने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं तो आप कभी हारेंगे नहीं, हमेशा आपकी ही जीत होगी, चाहे आप सक्सेसफुल बने अपने काम में या फिर ना बने। अगर आज नहीं बनेंगे तो कल बनेंगे, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उससे अगले दिन। बात यह है कि आपको गिव अप नहीं करना है और लगातार गलतियों से सीखते जाना है, गलतियों को सुधारना है, एक बार फिर से ट्राई करना है, फिर गलती हुई कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करना है, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। फॉर एग्जांपल, मैं अगर बात करूँ अपने फेसबुक एड्स की, मुझे फेसबुक एड्स रन करने थे तो मैंने कई सारे अकाउंट्स बनाए और कई सारे डिसेबल भी कराए, लेकिन अभी भी आज भी मैं एक फेसबुक एड अकाउंट बना रहा था, उसमें मैंने अपना ऐड बनाया और वो मेरा अकाउंट ही डिसेबल हो गया। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, हम तो जीते हैं, फिर से एक और नया अकाउंट बना लेंगे और उस पर भी ट्राई करेंगे। तो दूसरा एग्जांपल और मैं देना चाहूँगा गूगल एड्स का। पहले मैंने गूगल एड्स का अकाउंट बनाया था और उसी की जो ये एफिलिएटनेस ब्लूप्रिंट आपको दिया है, इसी की ट्रेनिंग मैं बना रहा था उसमें कि कैसे गूगल एड्स का ऐड बनाते हैं, तो मैं बता रहा था उसमें ही, तो गलती से एक डोमेन नेम जो है वो गलत लिख के चला गया और वो सबमिट हो गया ऐड और वो डिसअप्रूव हो गया। डिसअप्रूव हुआ साथ साथ वो जो गूगल ऐड अकाउंट है वो भी डिसेबल कर दिया गया, जिसमें कि मैं 6 लाख रुपए के आसपास खर्च कर चुका था और मेरा बहुत सारा उसमें ऑप्टिमाइजेशन था, बहुत सारा उसमें समय लगा था, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले थे, सारे के सारे जो कैंपेन्स थे वो सब बेकार हो गए। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, कोई बात नहीं, दूसरा मैंने फिर अकाउंट बना लिया और उसी से अब सारा काम चल रहा है। फेलियर आपके जीवन में आने का मतलब ये नहीं है कि आप उससे निराश हो जाएं या आप चुप बैठ जाएं। वो जो फेलियर्स आपके जीवन में आते हैं वो आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जितने ज़्यादा आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे उतने ही आपके सफलता के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए मेक श्योर कि आप फेल ज़रूर होइए। फेल होने का मतलब ये है कि आप काम करें, ऐसा ना हो कि आपने काम नहीं किया तो आप फेल हो गए। काम ज़रूर कीजिए, काम करते करते अगर आप फेल हो जाते हैं तो ये एक ना एक दिन आपको सफलता तक ज़रूर पहुँचाएगी। तो दोस्तों, आई होप आपको 7 वेज अच्छे लगे होंगे जिससे कि आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो आपको बता दें, दिस चैनल इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू क्रिएट ए पैसिव इनकम सो दैट यू कैन क्रिएट ए लाइफ ऑफ ट्रू फ्रीडम, बोथ मनी फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसको देख सकें तुरंत सबसे पहले। और दोस्तों, अगर आप घर बैठे फुल टाइम पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जैक्टली मैंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसका मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक कीजिए और एग्जैक्टली आप सीखिए कैसे घर बैठे फुल टाइम पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय, कीप अर्निंग व्हाइल लर्निंग, ऑल द बेस्ट, बाय फॉर।